तो नाम में क्या रखा है, बात करते हैं काम की। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कोविड वैक्सीन अगर आपने लगवाया है तो उसका सर्टिफिकेट कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल से। तो सीखने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको वैक्सीन लगवाने के बाद एक SMS आता है आपके मोबाइल पे, आपको मिल गया होगा, ठीक है ना। यहाँ ये पड़ा है वैक्सीन का मैसेज, इसमें होता है एक लिंक, जहाँ पे देख सकते हैं लिंक। अब इस लिंक पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ठीक है इसे ओपन कर लेना है लिंक को, ठीक है। इंटरनेट ऑन रखिए तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, कुछ इस तरह की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जहाँ आपने जाना है नीचे, नीचे जाने के बाद जहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं, रजिस्टर साइन इन यूर सेल्फ और नीचे आरोग्य सेतु है, जहाँ मैं यूर सेल्फ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे करना होता है अपना मोबाइल नंबर एंटर। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जहाँ गेट OTP पे क्लिक करते हैं तो जहाँ एक मैसेज मिलेगा आपको, इसी नंबर पे जो आपने डाला है उस पर एक मैसेज आएगा, देखिए उसमें एक OTP होगा, वो जहाँ पे आपने डालना है। या मैं देख के डाल देता हूँ। डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ, कर देते हैं। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद जहाँ देखिए पे देखिए डिटेल आ जाएगी कुछ इस तरह से, एक डोज ली है, दूसरी अभी बाकी है। अब जहाँ पे आपने सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना है, सर्टिफिकेट पे क्लिक करते ही आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। ऊपर जहाँ पे नोटिफिकेशन मुझे मिल चुका है, जहाँ मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ डाउनलोड हुआ है या नहीं। यहाँ पे देखिए कोविड वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो चुका है, मेरे मोबाइल में आ चुका है। इस तरह से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।